everyone, welcome back to my channel. It's me Pragyani. Today's video I'm going to share with you the review of this face mask from Good Vibes. So this is a clay mask and this is in the charcoal variant. So I am going to share all the details about this mask in this video. So if you are interested to know how this mask works on me and whether you should buy it or not, then please keep on watching this video till the end. And without any further delay, let's quickly jump into the video. सो गाइज, क्ले मास्क लगाना किसको नहीं पसंद है. पर्सनली आई रियली लाइक टू अप्लाई क्ले मास्क ऑन माई फेस. सो मैं एक बार वीक में तो क्ले मास्क अप्लाई करती हूँ ही अपने फेस में. और मैंने गुड वाइब्स से 3-4 क्ले मास्क खरीदा था. तो उन सब में से ये वाला जो क्ले मास्क है चारकोल वेरियंट का, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है. तो मैंने सोचा कि आज इसका रिव्यू शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि मैंने एक और फेस मास्क का रिव्यू शेयर किया है गुड वाइब्स का, तो वो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो. और ये वाला जो है मुझे उससे भी बेटर लगा. इनफैक्ट ये चारकोल वेरिएंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है उन 4-5 वेरिएंट्स में से. तो ये है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस मास्क. और इसका पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है गाइस. और गुड वाइब्स का सभी प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. ऐसे ही टॉप काइंड ऑफ पैकेजिंग में आता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. और इसका एक गोल्डन वाला लीड मिल जाता है आपको, तो ये वाला लीड है. और अगेन आपको एक दूसरा लीड मिल जाता है इसको ओपन करने के बाद. ये है प्रोडक्ट और आप देख सकते हो कि मैंने कितना ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया है ऑलरेडी. थोड़ा सा ही बचा है, तो आई थिंक ये इसको मैं और 2-3 बार तो यूज़ कर ही पाऊँगी, या फिर 4 बार, आई डोंट नो. तो मैंने बहुत सारा यूज़ कर लिया है, तो आप सोच सकते हो कि मुझे ये कितना ज़्यादा पसंद है. और ये जो है 60 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 235 रुपीज़. और आप इसे डिस्काउंट में ले सकते हो, क्योंकि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स में हमेशा ही कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो चलता ही है purple.com में. मुझे पता नहीं कि गुड वाइब्स का प्रोडक्ट उसी और वेबसाइट में मिलता है कि नहीं, तो मैंने तो purple.com से ही ख़रीदा है. और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. और purple.com में इसी रेंज का और भी ज़्यादा वेरियंस है, तो आप जाके कोई भी ले सकते हो जो भी आपको पसंद आए. तो मैंने चारकोल वाला लिया था क्योंकि मुझे ट्राई करना था ये वाला, क्योंकि मैंने कभी चारकोल का कोई मास्क इससे पहले यूज़ नहीं किया है. तो मैंने सोचा इससे ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत लोग वो चारकोल वाला मास्क ट्राई कर रहे हैं, तो इसीलिए ही मैंने इसको ख़रीदा था. और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और गुड वाइब्स एक इंडियन ब्रांड है इफ़ यू डोंट नो. और उसका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो पैराबिन, सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री होता है, और मिनरल ऑयल भी फ्री होता है. तो ये भी क्रुएल्टी फ्री है और पैराबिन, सल्फेट, मिनरल ऑयल कुछ भी इसमें नहीं है. तो अगर आप उन सब चीज़ों को लेके कंसर्न हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चॉइस है. और गुड वाइब्स क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है, तो आई थिंक दैट इफ़ अ ब्रांड इज़ डूइंग गुड, स्पेशली अ इंडियन ब्रांड, तो हमें उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए. और गाइज, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज़ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. मैंने ये खुद के पैसे से ही ख़रीदा है और मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ. तो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन मी. और ये जो है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुइटेबल है एज इट क्लेम्स. और पर्सनली आई हैव ऑयली स्किन एंड माय स्किन इज़ रियली एक्नी प्रोन एंड सेंसिटिव. तो जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मेरे स्किन पर कोई भी इरीटेशन, रैशेज या कुछ भी नहीं होता है. और अगर आप इसको खरीदते हो तो नो मैटर वट एवर स्किन टाइप यू आर, आप इसको पैच टेस्ट ज़रूर करना. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते हो, वो मेकअप प्रोडक्ट होता है या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट होता है, आपको पैच टेस्ट करना ही चाहिए. तो ये जो क्ले मास्क होता है उसका भी पैच टेस्ट आपको करना चाहिए. तो मैंने भी पैच टेस्ट करके देख लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था. तो मैंने इसको अप्लाई किया और मुझे कोई भी प्रॉब्लम या इरिटेशन नहीं हुआ. और ये क्ले मास्क का जितना भी वेरियंट्स मैंने इसके पहले ट्राई किया था, वो सब ट्राई करने के पहले का 10-20 सेकंड्स के लिए मेरे इस एरिया पे हल्का सा एक टिंगलिंग सेंसेशन मुझे फील हुआ था, लेकिन उसके बाद वो टिंगलिंग सेंसेशन कम्प्लीटली चला जाता था और काम इफेक्ट देता था. लेकिन इससे मुझे कोई भी टिंगलिंग सेंसेशन फील नहीं हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. तो ये जो मास्क है ये डलनेस को रिकवर करता है और पोर्स को डीपली क्लींस करता है. और अगर आपके स्किन में एक्सेस ऑयल है तो उसको भी ये रिमूव कर देता है और काफ़ी हद तक ऑयल को वापस नहीं आने देता है.
तो अगर आप ऑयली स्किन के हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। और अगर आप ड्राई स्किन के हो और सोच रहे हो कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। और अगर आप इसको यूज़ करने के बाद थोड़ा सा ड्राइनेस फील करते हो तो आप डेफिनेटली टोनर या मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। और ये आपके स्किन को एक अनइवन स्किन टोन प्रोवाइड करता है और स्किन को ब्राइटनिंग भी करता है। तो मैंने जब इसको यूज़ किया था पहली बार तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और जितना भी बार मैंने इसको यूज़ किया है और फेस को क्लींस करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। मेरे स्किन बहुत ही स्मूथ और सपल सा फील होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला वेरियंट। तो गाइज, इसका जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है, नॉर्मल चारकोल का ही फ्रेग्रेंस आता है इसमें से। तो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये क्ले मास्क को आप हफ्ते में एक या दो बार यूज़ कर सकते हो। मैं तो एक बार ही यूज़ करती हूँ और आई थिंक दैट दैट्स इनफ। लेकिन आप अगर चाहो तो दो या तीन बार भी इसको यूज़ कर सकते हो, आपके स्किन टाइप पे और स्किन कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये आपको खुद को समझना होगा कि आपको कितने बार इसको लगाना चाहिए हफ्ते में। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एंड इफ़ यू यूज़ दिस क्ले मास्क, दिस विल ड्रॉ ऑल द इम्प्योरिटीज आउट फ्रॉम योर स्किन एंड इट विल लीव योर स्किन डीपली क्लींस्ड एंड इट विल ऑल्सो क्लीन योर पोर्स। सो यू कैन सी दैट दिस फेस मास्क हैज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और ये तो आपको डिस्काउंट में मिल ही जाएगा, बिकॉज हर वक्त कोई ना कोई डिस्काउंट चलता ही रहता है purplecom पे। तो ये क्ले मास्क में आई थिंक दो या तीन साइजेस अवेलेबल होता है, तो मैंने ये शायद ये छोटा वाला लिया था क्योंकि मुझे ट्राई करना था, और क्योंकि अभी ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं इसको रिस्टॉक करूँगी तो मैं ज़रूर से इसका बड़ा वाला टब ही मंगवाऊँगी। और बाय द वे गाइस, ये प्लास्टिक का पैकेजिंग है, ये ग्लास का नहीं है। इट लुक्स लाइक इट इज़ ग्लास बट ये प्लास्टिक का पैकेजिंग है। सो गाइज, ये फेस मास्क अप्लाई करने के पहले आपको फेस को अच्छे से धोकर क्लीन करना होता है नॉर्मल वाटर से, और फिर आप इस फेस मास्क को अपने चेहरे पे लगाओ और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो, और फिर इसको नॉर्मल वाटर से रिमूव कर दो धोके। तो दैट्स सिंपल इट इज़ टू अप्लाई। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ बिग फैट थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन बटन नेक्स्ट वीक, सो व्हेनेवर आई अपलोड सच वीडियोस यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू थिंक ऑफ माय वीडियोस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय गाइज।